नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोटा में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। मैंने जो किया वो क्या गलती थी जो मैंने किया कोटा में रह के। तो सिंपल सा है, सब 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 ये गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। और ये गलती सिर्फ सिंपल सा है कि मतलब आप फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, आपके पास फ़ोन होता है। हम ये मानते हैं कि यार अगर आप कोटा में रह रहे हैं तो आप फ़ोन को जो है सो घर पे ही छोड़ दें, फ़ोन को जो है सो अपने साथ ले ही ना जाए। फ़ोन ही एक ऐसा गलती है जो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा, और हमको भी बर्बाद कर दिया इसलिए बोल रहे हैं। बड़ा सीरियस टॉपिक है फ़ोन। और कोटा में इंस्टीट्यूट में भी, अगर एलन में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इंस्टीट्यूट में भी हर जगह लिखा होगा कि मतलब फ़ोन जो है सो वो स्टाफ का जो है सो घटिया फ्रेंड है, उससे दूरी रहे तो अच्छा है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि आप देख सकते हैं ये मेरा किधर है, हाँ ये मेरा आईडी कार्ड है, पता नहीं क्यों उल्टा दिख रहा है इसमें, लेकिन आप इसको थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है बेसिकली TAP2 बैच और 0338 शायद वो है, मतलब रोल नंबर है क्लास वाला। और उसके बाद है फॉर्म नंबर है 15020205 और ये बैच है 2017 का। हाँ, तो 2 साल हो गए हैं, मैं 11th में था उस समय, तो मेरा लाइफ लगभग स्पॉइल हो गया सिर्फ इसलिए कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करता था, एक्सेस यूज करता था। और यही कोटा में रहने वाले स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती है। और दूसरा गलती जो मुझे लगा कि कोटा में रहने वाले स्टूडेंट करते हैं वो है रात तक जगना, देर रात तक जगना। हम लगभग 4-4 बजे 5-5 बजे तक जगते थे, उसके बाद 6 बजे 7 बजे तो बाहर निकलते थे और बाहर जाते थे, नाश्ता पीते थे, रेडबुल जो भी हुआ। ऊपर से एक तो सुबह को उठते थे, ऊपर से जाके एनर्जी ड्रिंक पी लेते थे, तब जाके सो जाते थे। ऐसा था मेरा दिनचर्या, इतना घटिया था। तो मुझे लगता है कि हमेशा एक सबसे बड़ा गलती हो जाता है कि रात में आप जगते हैं। रात में अगर आप नहीं जगेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मतलब क्या कहते हैं 1 बजे तक जगिए, उससे ज़्यादा नहीं जगिए। 1 बजे तक जगते हैं तो ठीक है, अगर उससे आप ज़्यादा जगते हैं तो फिर आपके सेहत में भी जो है सो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका इवनिंग में भी बैच है तो भी आप 1 बजे तक ही जगिए, उससे ज़्यादा ना जगिए। मेरा एक दोस्त था जिसका IIT में पक्का सिलेक्शन होगा, वो पक्का उसका IIT JEE मेंस में आया था, 98 point something था, पता नहीं कितना था, 90 above था उसका JEE मेंस में, अभी तुरंत ही जो है फिलहाल में दिया। तो उसका रूटीन था कि हमेशा 1 बजे तक ही जगता था, कभी उससे ज़्यादा नहीं जगा। और जितने बच्चे 1 बजे से ज़्यादा तक जगते थे, 3 बजे 4 बजे या 5 बजे 6 बजे तक जगते थे, उनका सिलेक्शन आज तक हम किसी का नहीं देखे सिलेक्शन होते हुए, जो क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा देर तक जगते थे। जगिए 1 बजे मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा मत जगिए, आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, उसके बाद बहुत कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। और यही 2 गलती है, बहुत बड़ा गलती है, बहुत 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 बड़ा गलती है। पहला फ़ोन एक्सेस यूज़। और मेरा दोस्त था ना, वो उसके पास एक फ़ोन था, ये नहीं कहेंगे कि यार फ़ोन यूज़ ही ना करो, स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ ही ना करो, फ़ोन यूज़ करो लेकिन एक्सेस में नहीं करो। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता यार, मेरे पास फ़ोन रहता है यार तुरंत व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, तुरंत यार इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, अब देखो ट्विटर पे क्या हो रहा है अभी चेक करेंगे, तो ये चलता रहता है। उसके बाद ज़्यादातर तो मेरा समय बीता था यूट्यूब पे या फिर मूवीज़ देखने में, यही मूवीज़ या यूट्यूब और कभी कभी इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर जो भी है, फेसबुक तो आप शायद ही कोई चलाता है, तो फेसबुक भी कभी कभी। तो ऐसे ही मेरा समय जो है सो बीता गया। और आज मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम बताना चाहते थे कि आपको आप सीख सके। अगर अभी आप कोटा में रह रहे हैं या परस्यू मतलब जाने वाले हैं वहाँ कोटा में, सोच रहे हैं, मैं वहाँ 9th से पढ़ रहा था, मैंने 9th वहीं से किया, 10th वहीं से किया, 11th किया। और उसके 11th में जब मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया था तो मुझे लगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं वापस आ गया घर। तो यही मेरा दिनचर्या था, फिर भी मैंने 9th 10th 11th लगभग आधा तक कर लिया। और मेरा जो गलती था यही था कि मैं जो है फ़ोन को एक्सेस अमाउंट में यूज करता था। और दूसरा गलती है मेरा स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा, मतलब मैं रात तक मतलब कहें तो मैं 7-8 बजे तक सुबह को जग जाता था। उसके बाद 7-8 बजे के बाद जब नाश्ता वास्ता करके आता था सुबह में तो उसके बाद सोता था, उसके बाद जो है 12-1 बजे या 2 बजे उठता था, उसके बाद शाम को क्लास। और जब मॉर्निंग में क्लास था तो मेरा मॉर्निंग में क्लास होने की वजह से कई बार छूट जाता था मेरा क्लास। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने बहुत सारे क्लासेस छूटे हैं, और गार्जियन का फोन आता था बार बार कि तुम क्लास नहीं जा रहे हो, क्योंकि एलन में रूल है कि अगर आप क्लास छोड़िएगा तो खटाक से जो है मैसेज चला जाता है गार्जियन के पास। तो ये मतलब गार्जियन को पता चल जाता है कि हाँ आप क्लास मिस कर रहे हैं, और गार्जियन की तरफ से कॉल आएगा या
कि तुम जो है सो क्लास में जा रहे हो, तो मेरे साथ बहुत हुआ। तो यही गलती है कि आप अगर हो सकता है तो सुधार ले। और तीसरा एक टिप बताने वाले हैं कि अगर आप मतलब सेलेक्ट होइएगा नहीं या नहीं आईआईटी में, अब मेडिकल का तो पता नहीं यार भाई, क्योंकि मेडिकल में हम थे नहीं, आईआईटी में अगर आपका सेलेक्शन होगा या नहीं ये कैसे डिसाइड करें, तो पहली बात आप जो है सो टॉप बैचेज में होने चाहिए, टॉप 3 बैचेज में या टॉप 4 बैचेज में आपका नाम होना ही चाहिए, या टॉप 5 बैचेज में आपका नाम होना ही चाहिए। आप टॉप 5 बैचेज में पढ़ रहे हो, अगर आप 11th में गए हैं तो आप लगभग 2-3 महीने के बाद अगर आप टॉप 5 बैचेज में आ गए हैं तो आपका चांस बनता है, अगर आप 12th में गए हैं तो आप 2-3 महीने के अंदर में आप टॉप 5 बैचेज में चले जाएं, अगर आप 9th 10th में चले जाएं तो आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है, बहुत सारा टाइम है। लेकिन फिर भी अगर आप टॉप बैचेज में नहीं है तो आपका चांस बहुत कम बनता है कि आपका आईआईटी में सेलेक्शन होगा, अगर आप टॉप बैचेज में नहीं है तो इस यही एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि आपका आईआईटी में सेलेक्शन होगा या नहीं। और इसी के बेसिस पे जो मेरा दोस्त जो था जिसका सेलेक्शन होने वाला है, लगभग आईआईटी जेई मेंस तो वो निकाल ही चुका है, जेई एडवांस उससे निकाल ही जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज था पढ़ने में। तो हम लोग साथ गए थे, तो जब हम लोग साथ गए थे कोटा, तो मेरा जो है सो FNM 3 में हुआ, उसका FNM 1 में हुआ, फाउंडेशन में हुआ। फाउंडेशन बैच 9th में 3 तरह का बैच होता है, एक फाउंडेशन और एक एडवांस और एक पता नहीं क्या होता है, एक्सीलेंट, हाँ एक्सीलेंट। तो फाउंडेशन में वो होते हैं जिसका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं होगा, उसको सिर्फ फाउंडेशन छोटा मोटा किताब मिलता है, एडवांस वाले का जो है सो एडवांस का फाउंडेशन तो पढ़ना ही पड़ता है, प्लस उसको एडवांस वाला भी पढ़ना पड़ता है, और ये दोनों कंबाइंड करके जो है सो वो लोग पढ़ते हैं। तो वो जो है सो जब उसका फर्स्ट जो है सफलिंग टेस्ट हुआ ना, तो निकल के फाउंडेशन से एडवांस में पहुंच गया, हम फाउंडेशन 3 से फाउंडेशन 1 में गए, मतलब एक हम फाउंडेशन में ही रह गए, वो एडवांस से पहुंच गया। तो आप शुरू में ही शुरू का 3 मंथ आपका डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा या आईआईटी में या नहीं। अगर आप 3 मंथ में अगर आप टॉप बैचेज में चले जाते हैं अगर आप एलन के, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप टॉप बैचेज में नहीं जा पाते, आपका रैंक नहीं आ पाता एलन में, तो आप भूल जाइए कि आपका आईआईटी से होगा। लेकिन फिर भी मेहनत करते रहे, ऐसा मत कहिए कि यार हम हार गए मेरा होगा ही नहीं, मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ में हो जाएगा, किसी ना किसी चीज़ में हो जाएगा। लेकिन टॉप बैचेज में नहीं है तो आपका आईआईटी में नहीं होगा, भूल जाइए कि आपसे आईआईटी में जाएगा, आईआईटी में बहुत सीट कम है, तो भूल ही जाइए कि आपका आईआईटी में होगा भी। और मेडिकल में भी शायद यही रूल अप्लाई होता होगा, लेकिन मेडिकल के बारे में ज़्यादा पता है तो हम बता नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। 2 गलती है, पहला फोन का एक्सेस यूज ना करें, या तो फोन को हटा ही दें, अगर लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो आप फोन को हटा ही दें। और दूसरा स्लीप साइकिल, रात को ज़्यादा देर तक ना जगे, यही 2 गलती है, सुधार लीजिएगा तो सुधार जाइएगा। और मुझ में और दो मतलब और कोई बैड हैबिट तो नहीं था, मैं ज़्यादा घूमता भी नहीं था ना ही, बहुत से लड़के करते हैं ना वो सिगरेट कुछ 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 इधर उधर चलता रहता है उन लोग का, तो वो हैबिट नहीं था हमें, अच्छी बात है वो हैबिट नहीं था और कभी आया भी नहीं वो हैबिट। अगर ये हैबिट है तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल जो हैबिट होता है, पहला फोन और दूसरा क्या स्लीप साइकिल ठीक करना है आपको। और एक और बात होता है कि कोटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे साइबर कैफे भी जाते हैं, ये भी मैंने किया हुआ है, जब फोन नहीं था तो कभी कभी सप्ताह में एक बार साइबर कैफे, मैंने फोन को साइड कर दिया था अपने मतलब लाइफ से कि यार तुम अपना घर पे ही रहो, और साइबर कैफे कभी सप्ताह में एक बार जाता था। लेकिन वही धीरे धीरे हैबिट बनते 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 वो भी आदत बन गया और रेगुलर साइबर कैफे चल गया। तो वो भी बहुत सारे लोग जो है मतलब क्या करते हैं, क्लास मिस करके जाते हैं साइबर कैफे, तो ये भी बहुत घटिया बात है। अब लेकिन मैंने सुधार लिया था, अंत तक जाके साइबर कैफे वाला आदत तो मेरा छूट गया, लेकिन जो है सो 2 आदत मेरा बना ही रह गया, वो था पहला फोन और दूसरा स्लिप साइकिल गड़बड़ होना। तो ये दोनों सुधार लीजिए, आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मेरी शुभकामनाएं साथ है आपके, आपका आईआईटी में सिलेक्शन जरूर हो। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट में लिख के बताइए आपका क्या बैड हैबिट है कोटा में, और सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, और मिलते हैं।